बीजेपी, पैसा कांग्रेस सांसद के घर से निकला है, उनको जवाब देना चाहिए। कांग्रेस, पैसा धीरज साहू का है, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। धीरज, पैसा मेरे परिवार का है, वो जवाब देंगे। परिवार, पैसा आम लोगों का है, वो जवाब दे। आम लोग, पैसा सरकार का है, वो जवाब दे। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकाने पर पड़ी आयकर विभाग की रेड के बाद वह पहली बार कैमरे पर आए। आते ही रोने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा है कि यह कोई उनका अपना पैसा नहीं है और न ही कांग्रेस का पैसा है, यह उनके फैमिली बिजनेस से आया पैसा है जिसके बारे में सिर्फ उनका परिवार ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए जा रहे काला धन के इल्जाम में उन्होंने कहा, मैंने आपको पहले ही कहा है, यह जो पैसा है यह परिवार द्वारा चलाई जा रही कंपनियों का है। इनकम टैक्स का जवाब आने दीजिए कि यह काला धन है या सफेद धन। मैं बिजनेस लाइन में नहीं हूं, परिवार वाले इसका जवाब देंगे। मुझे नहीं पता कि लोग इसको कैसे देख रहे हैं, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूं कि इन सबका कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। धीरज साहू ने छापेमारी शुरू होने के करीब 10 दिन बाद कैमरे पर आकर कहा कि यह जो पैसा उनका दिखाया जा रहा है यह असल में उनका है ही नहीं, उनके परिवार से संबंधित फर्मों का है। इनकम टैक्स ने छापा मारा है तो हर चीज का हिसाब दिया जाएगा। उन्होंने अपने ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर कहा, मैं तकरीबन 30-35 साल से सक्रिय राजनीति में हूं और ये पहली बार ऐसी वारदात हुई मेरे साथ में जिससे मेरे दिल में काफी चोट पहुंची है। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे ऊपर कोई विवाद न हो, लेकिन अब विवाद खड़ा हो गया है तो मैं अपने और अपने परिवार के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। सांसद कहते हैं, हम लोगों ने काफी विकास का काम किया है, चाहे वो रांची हो, लोहरदगा हो या अन्य जगह हो, ओडिशा हो, हर जगह हमने काफी कुछ किया है। पिता स्वर्गीय राय साहब बलदेव साहू भी समाज सेवा करते थे, कई स्कूल कॉलेज खोले, इसके बावजूद जो हम लोगों के साथ हुआ इससे बहुत बुरा लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जोर देकर बस यही बात कही, जो भी पैसा पकड़ा गया वो फर्म का पैसा है, हम लोगों को शराब के व्यवसाय में 100 साल से ऊपर हो चुका है, उसकी सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। हमने इससे काफी कुछ किया, काफी रेवेन्यू दिया, इसके बावजूद मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं काफी आहत हूँ। साहू ने यह भी कहा, मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से मिलना चाहता था, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, मुझे लोगों के सामने आने में भी शर्म आ रही थी। मैं राजनीति छोड़कर बिजनेस में ज्यादा ध्यान ही नहीं देता, इसे मेरे परिवार के लोग करते हैं, मैं सिर्फ बीच बीच में उनको पूछता रहता हूँ। बता दें कि 6 दिसंबर 2023 को आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई झारखंड, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के अलग अलग जगहों पर एक साथ हुई थी। आखिरकार 6 दिन बाद यह रेड पूरी हो गई है। इस छापेमारी के दौरान नोटों का इतना बड़ा जखीरा मिला है कि उसे गिनने में मशीनों के भी सांस फूल गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 350 करोड़ रुपए अधिक नकदी मिली है, कुछ रिपोर्टों में करीब 500 करोड़ रुपए मिलने की बात कही गई है। करीब 17 किलो सोने के जेवर और 40 सोने के बिस्कुट भी शामिल है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।